हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ पापा जब बच्चे थे से। तो इस क्रियाकलाप को निकालने के लिए आपको खोलनी होगी अपनी पुस्तक और खोलना होगा पृष्ठ संख्या 29। तो चलिए देखते हैं हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। क, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ख, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। तो इस जगह पर हमें दे रखे हैं दो प्रश्न, क और ख प्रश्न। तो क प्रश्न हमें पूछ रहा है कि अगर मैं पापा की जगह होती तो मैं कहाँ ठेला लगाती, क्योंकि पापा ने क्या कहा था कि वह स्टेशन के पास ही खड़ा करेंगे ताकि वह शंटिंग भी कर पाए और आइसक्रीम भी बेच पाए, क्योंकि वह दोनों ही काम करना चाहते थे। अब मुझे बताना है कि मैं कहाँ ठेला खड़ा करती और मैंने ऐसा क्यों तय किया। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। तो कई बार हमने कई बार रेल से सफर किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बड़ा ही मजा आता है। तो अब हमें ये बताना है, जब हम रेल से सफर करते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे रेलगाड़ी आती है और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आते हैं। तो यह दो प्रश्न है, हमें इनके देने हैं उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि है पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो देखते हैं मैंने क्या उत्तर लिखा है। अगर मैं पापा की जगह होती तो अपना ठेला दिन के समय के अनुसार अलग अलग जगह लगाती, मतलब दिन में कहीं और लगाती, शाम की समय कहीं और लगाती। तो देखते हैं कहां पर कब लगाती। सुबह मैं अपना ठेले का सामान लेने जाती, तो सुबह मैं आइसक्रीम वगैरह लेने जाती। दोपहर होने पर मैं ठेला लेकर किसी भी विद्यालय के बाहर चली जाती, ऐसा क्यों। स्कूल से निकलते बच्चे मेरे ठेले से आइसक्रीम जरूर खरीदते। जी हाँ, इतनी गर्मी है, बच्चे इतना थक जाते हैं स्कूल के बाद, तो मेरा ठेला देखकर वे जरूर ही प्रसन्न होते और मेरे पास दौड़े चले आते ढेर सारी आइसक्रीम खरीदने के लिए, और मेरी बहुत सारी बिक्री हो जाती। अब दिन के समय तो मैंने लगा लिया विद्यालय के बाहर, शाम को कहाँ लगाऊंगी मैं ठेला। शाम को मैं अपना ठेला लेकर पार्क में चली जाती जहाँ कई बच्चे खेल रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे शाम को कहाँ, किसी पार्क के बाहर ही खेल रहे होते हैं, और भागा दौड़ी के बाद थके हारे बच्चे मेरे ठेले से आइसक्रीम जरूर खरीदते। जी हाँ, जब बच्चे थक कर अपने घर की ओर लौटते तो वह जरूर मेरी आइसक्रीम के ठेले के पास से गुजरते और देखते इतनी ज्यादा स्वादिष्ट आइसक्रीम लेकर मैं खड़ी हूँ, और वह उससे जरूर जरूर खरीदते। तो यह है कुछ जगह जहाँ पर मैं अपना ठेला लगाती ताकि मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती और मैं ढेर सारे पैसे कमा सकती। तो यह था मेरा उत्तर पहले प्रश्न के लिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो कि है अगर तुम रेल में सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले रेलगाड़ी या उसके प्लेटफॉर्म का दृश्य होता कैसा है। तो कुछ इस तरीके से हमें रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म दिखता है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीजें और कितने सारे लोग खड़े हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वह है बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां। जी हाँ, एक रेलगाड़ी ये रही, एक रेलगाड़ी इसके पीछे रही। तो जो सबसे पहली चीज हम एक रेलगाड़ी या उसके प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वह है खड़ी हुई रेलगाड़ियां। उसके बाद हमें जो इस दृश्य में दिख रहा है वह है यह एक एक नंबर। ये क्या है, यह है
प्लेटफॉर्म नंबर। जी हाँ, हर रेलगाड़ी एक नंबर के प्लेटफॉर्म पर आती है, जैसे कि यहाँ पर है एक नंबर प्लेटफॉर्म, तो ये गाड़ी कहाँ आई है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। ये नंबर हर प्लेटफॉर्म को दिए जाते हैं ताकि रेलगाड़ी आसानी से यात्रीगणों को मिल जाए। जैसे कि मुंबई जाने वाली गाड़ी पांच प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है या आएगी। तो इस समय क्या पता चला कि अगर हमें मुंबई जाना है तो हम कौन सी वाली प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब यह रेलगाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आई है, एक, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। अब उसके बाद जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वह है टीटी। क्या आप देख सकते हैं, यह है टीटी। अब ये टीटी यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, ये रेलगाड़ी को लाल झंडा दिखा रहे हैं रुकने के लिए, और एक टीटी यहाँ पे टिकट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम इस दृश्य में किसे देख सकते हैं या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यह डिस्प्ले स्क्रीन। क्या है ये है एक डिस्प्ले स्क्रीन जहाँ पे गाड़ियों के नाम लिखे गए हैं और वह कितने समय पर आने वाली है यह लिखी हुई है। तो मतलब गाड़ी की पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या, एक बड़ी घड़ी, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समय लिखा है तो समय दिखाने के लिए घड़ी भी तो होनी चाहिए, तो एक बड़ी सी घड़ी भी हमारे को प्लेटफॉर्म पर हमेशा नजर आएगी ही आएगी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लाउड स्पीकर, क्या आपको दिख रहा है, एक लाउड स्पीकर। जी हाँ, इससे पूरा ही टाइम अनाउंसमेंट होती रहती है कि कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, ताकि किसी की भी गाड़ी छूट ना जाए। उसके बाद हम देख सकते हैं यात्रीगण, कितने सारे यात्रीगण हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। देखिए, एक ये छोटी सी बच्ची जो कि यात्री है, वह रेल की तरफ इशारा करते हुए अपने माता पिता से कुछ बात भी कर रही है। यहाँ पे एक यात्री पानी भर रहे हैं और कुछ यात्रियों ने यहाँ पे अपना फोन भी चार्जिंग पर लगा रखा है। तो इतने सारे यात्रीगण हमें इस प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, और इन यात्रीगणों के साथ क्या है, उनका ढेर सारा सामान। क्या है, ढेर सारा सामान, जो कि कूली लोग नजर आ रहे हैं ले जाते हुए। देखिए, यहाँ पे है कूली जिसने सामान उठा के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे भी है कूली जो सामान उठा के शायद रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमने कौन देखे, कूली देखे, टीटी देखे, यात्रीगण देखे, है ना। अब और लोग देखते हैं, और चीजें देखते हैं इस रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर। अब हमें जो चीज दिख रही है वह है खाने की दुकान। जी हाँ, कई लोग खाने का सामान खरीदते हैं इस खाने की दुकान से, ताकि उनका रेल का सफर अच्छा बीत सके। कई सामान यहाँ पर मिल सकता है जो कि जिससे हमारा रेल का सफर अच्छा बीते। उसके बाद हम देख सकते हैं किताबों की दुकान। अब पूरे समय बैठे रहने से तो बोरियत भी तो हो जाएगी, तो कई लोग बोरियत हटाने के लिए किताबें खरीदते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, किताबों की दुकान भी है। उसके बाद हम देख सकते हैं पानी भरने का स्थल। क्या देख सकते हैं, पानी भरने का स्थल। जी हाँ, यह है पीने के पानी भरने का स्थल। अगर किसी का पानी खत्म हो जाता है तो वह यहाँ से भर सकता है। तो यह है कुछ चीजें जो हमें हर रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर जरूर जरूर नजर आएंगी। अब रेलगाड़ी के अंदर हमें दिखेंगी सीट और यात्रीगण बैठे हुए। तो कौन कौन सी चीजें दिखी हमें यहाँ पे, डिस्प्ले स्क्रीन, खाने की दुकान, प्लेटफॉर्म नंबर, रेलगाड़ी, बड़ी घड़ी, लाउड स्पीकर, किताबों की दुकान, ये सारी चीजें दिखे। और कौन कौन से लोग दिखे, टीटी दिखे, यात्रीगण दिखे, दुकानदार दिखे, कूली दिखे, तो यह सारे लोग हमें प्लेटफॉर्म में दिखे। तो अब आपको इस चीज को वाक्यों के रूप देना है। जी हाँ, यह सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, अब आप इनको वाक्यों के रूप में खुद ही लिखिए। चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, क्रियाकलाप या कविता लेकर।